बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जदयू की सदस्यता ले ली है। पार्टी के बड़े नेता ललन सिंह और अशोक चौधरी ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। जदयू नेता ललन सिंह ने कहा गुप्तेश्वर पांडे का कार्यकाल 5 महीना बचा हुआ था, लेकिन उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जदयू परिवार का हिस्सा हो गए हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि दल का जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा, अभी वह कुछ भी नहीं कह सकते हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने नीतीश कुमार को बधाई दी और उनका आभार भी प्रकट किया है। देखिए पटना से संवाददाता रंजीत डे की रिपोर्ट। आधुनिक सदस्यता दिलाई, मैं शुरू से ही उनसे प्रभावित रहा हूं। जिस तरह से प्रशासन में हर तरह से पुलिस को सहयोग करने का काम, जो अपराधी हैं, रंगदार हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनके प्रति पूरी सख्ती बरतने का आदेश, और किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उनको बर्दाश्त नहीं था, चाहे किसी स्तर का। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने उनसे प्रभावित होकर उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। आगे जैसा आदेश होगा हमारे दल के नेताओं का, उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। ये मेरा फैसला नहीं है, मैं अब दल का अनुशासित सिपाही हूँ। दल का जो आदेश होगा, हमारे नेता लोगों का जो आदेश होगा, उसके आदेश का ये मेरा निर्णय नहीं हो सकता। लड़ना या नहीं लड़ना ये मेरा फैसला नहीं हो सकता, ये दल का फैसला होगा कि दल किस तरह से मेरी सेवा लेना चाहता है। पदाधिकारी अधिकारी के रूप में जाने जाते रहे और आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनको सदस्यता दिलाई। आज से ये जनता दल यूनाइटेड परिवार के एक सदस्य के रूप में आज से शामिल हो गए हैं। हम सब लोग इनका तहे दिल से, हृदय से जनता दल परिवार में स्वागत करते हैं और इनको भरोसा दिलाते हैं आपके जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। आपके गुप्तेश्वर पांडे जी जहाँ भी 15 वर्षों के शासनकाल में देखो भाई फ्रेंड सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की, वहाँ गुप्तेश्वर पांडे जी ने जाके सांप्रदायिक सद्भाव बनाया और